हेलो सिविल इंजीनियर्स, आज हम आए हैं एक साइट पर जिससे कि हमें ये पता चलेगा जितने भी हमारे मकान बनते हैं उसमें क्या क्या छोटी छोटी कमियां रह जाती है, या फिर हम कहें कि एक चेकलिस्ट आज पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक जब भी हम कोई मकान बना रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होती है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई मकान बनवाते हैं तो उस पर कॉलम पे क्या नहीं, इस तरीके की हमें डेट हमेशा डालनी होती है। जब भी हम कोई कास्टिंग करते हैं कॉलम की, तो इस तरीके से हमें डेट ज़रूर डाल के रखनी है। जैसे यहाँ पर डेट डाली हुई है 8/1/2024, तो यहाँ पर आप लोगों को आसानी से पता भी चल जाएगा कि ये किस टाइम पर कास्ट हुआ था, मतलब कि कौन सी डेट पर कास्ट हुआ था। अब दोस्तों, डेट डालने का एक मेन रीज़न ये है कि जब भी हम कोई क्यूब कास्ट करते हैं, जैसे कि कॉन्क्रीट हमारी साइट पर आती है, तो उसका क्या ना, हमें क्यूब टेस्ट करना पड़ता है। तो क्यूब टेस्ट करने के लिए जो उसका प्रोसेस है, मतलब कि क्यूब टेस्ट को हम कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेस में क्या है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्यूब टेस्ट फेल हो रहा है या फिर पास हो रहा है, तो उसको पता लगाना उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है। पर हमें इस डेट से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कास्टिंग कब हुई है। अब आते हैं दोस्तों इस कॉलम पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी हम क्यूरिंग करते हैं तो हम जब स्लैब की क्यूरिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या है ना, पॉट्स बनाकर रख देते हैं जिससे कि पानी वहाँ पर अब्जॉर्ब होता रहता है, उसकी क्यूरिंग होती रहती है। बट अगर हमें कोई वर्टिकल आरसीसी मेंबर का यहाँ पर क्यूरिंग करना होता है, तो हम इस तरीके से गनी बैग वहाँ पर बांध देते हैं जिससे कि अच्छे से क्यूरिंग हो पाए और इसको अच्छे से स्ट्रेंथ मिल सके। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा स्पेस है ये सारा बालकनी का स्पेस है। तो बालकनी का जो स्पेस है हमारा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये सरिये यहाँ पर निकले हुए हैं, तो ये दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए भी काम में आएंगे। और अगर यहाँ पर कोई रेलिंग वगैरह लगानी हो या फिर ब्रिकवर्क करना हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा। तो हमें क्या है ना, जब भी हमें कोई कास्टिंग करवानी होती है तो पहले से फ्लोर प्लान वहाँ पर देख लेना है कि आपकी बालकनी कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर आपका बालकनी का एरिया पूरा वहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर सरिये भी आगे निकाल सकते हैं जिससे कि आपको कोई भी ब्रेकवर्क करवानी हो या फिर रेलिंग वगैरह लगानी हो तो वहाँ पर उसको अच्छे से स्ट्रेंथ मिल पाए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या ना, ग्राउंड फ्लोर अभी तैयार हो रहा है, तो हमें इस फ्लोर पर अगर कुछ सामान लेके आना है तो हम वहाँ पर इस तरीके से रैंप यहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि कोई भी सामान ऊपर से नीचे लाया जा सके और अच्छे से वहाँ पर काम हम कर सके। जब तक हमारी स्टेयरकेस तैयार नहीं होती है तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल एक टेम्परेरी एक स्लोप यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं, और हमारा कोई भी छोटे से बड़ा कोई भी सामान हो तो इस रैंप के थ्रू हम इस फ्लोर तक लेकर आ सकते हैं। अब दोस्तों, एक गौर करने वाली बात आती है, जब भी हम कोई नीचे से अगर कोई भी सामान ऊपर लेकर आते हैं, जैसे कि अब मैं इस ब्रिक की ही बात करूं, तो यहाँ पर क्या है ना, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप लोग सामने देख भी सकते हैं कि ये एक ही ईंट के बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर किए गए हैं, मतलब कि हो गए हैं। तो ये क्या है ना, थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है। तो आप अपने जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है, आप उससे बोल सकते हैं कि जो भी आप सामान ऊपर ला रहे हैं उसको अच्छे से वहाँ पर रखें ताकि हमारा ज़्यादा वेस्टेज ना हो, किसी का नुकसान ना हो। अब दोस्तों, इससे एक नुकसान ये भी हो जाता है कि जब भी हम इस तरीके से वेस्टेज देखते हैं ना, तो हमारा क्या ना, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए थोड़ा ध्यान दें कि इस तरीके से यहाँ पर ईंटों का ब्रेकेज ना हो। अब दोस्तों, आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है ना, ड्रेनेज के यहाँ पर पाइप दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, कट्टे वट्टे यहाँ पर फंसाती हैं ताकि इसमें कोई भी अदर मटेरियल ना जा सके, कोई कॉन्क्रीटिंग ना जा सके, कोई भी अदर मटेरियल यहाँ पर ना जा सके। तो यहाँ पर इस तरीके से इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लेना है कि कहीं पर आपके पाइप वगैरह नहीं है। अगर पाइप वगैरह वहाँ पर ओपन है तो वहाँ पर आप लोग इस तरीके से कोई कट्टा, या फिर इसके अलग से कैप भी आते हैं तो वो कैप भी आप अच्छे से यहाँ पर लगा सकते हैं। और टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर क्या है ना, कट्टे वगैरह फंसाए हुए हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। बट इस पे क्या है ना, एक प्रॉपर एक कैप आती है, आप उन कैपों को भी अच्छे से वहाँ लगा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस वॉल की। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ब्रिक वर्क कराया हुआ है, और दोस्तों ये जो आप कट्स वगैरह देख रहे हैं और इतनी फिनिशिंग से यहाँ पर काम देख रहे हैं, तो इसको कराने का सबसे अच्छा पर्पस ये है कि जब भी हम इस पर प्लास्टर करवाएंगे तो उसकी प्लास्टर की क्या ना, पकड़ बहुत अच्छे से वहाँ पर बन जाएगी जिससे कि स्ट्रेंथ अच्छी आएगी और क्रैक भी बहुत कम दिखेंगे। और आप सामने देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो भी काम हुआ है बहुत ही अच्छे से सफाई से किया हुआ है। जो आप लोग ब्रिक्स का यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेट किया हुआ है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इस कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो कॉलम पे क्या है ना, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग की हुई है। ये कॉन्क्रीटिंग सक्सेसफुल इस वजह से हो पाती है, इतना चिकना मटेरियल इस वजह से होता है ताकि आप वाइब्रेटर वहाँ पर अच्छे से ईजिली चलवा देते हैं। अगर आप वाइब्रेटर नहीं चल पाते तो आपको हनीकॉम वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता था। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वाइब्रेटर आपको चलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग वाइब्रेटर नहीं चलवा पाते हैं वहाँ पर, तो एयर वॉइड आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे।
तो वहाँ पर मैंने ड्रेनेज की पाइप्स के बारे में बताया था, यहाँ पर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक के पाइप्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक के पाइप यहाँ पर लगाए हुए हैं और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कैपिंग की हुई है ताकि कोई भी अदर मटेरियल, कंकड़ पत्थर या फिर कोई भी आपका कॉन्क्रीट इसके अंदर ना जा सके। अगर अंदर चला जाएगा तो क्या होगा कि इसमें ब्लॉकेज हो जाएगी और जो हमारे वायर्स वगैरह था वो इसमें नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पर कैप लगाइए और कैप के ऊपर भी अदर मटेरियल यहाँ पे, जैसे यहाँ पर क्या है ना पॉलीथीन यहाँ पर ढकी हुई है, तो पॉलीथीन आप यहाँ पर ढक सकते हैं। जैसे आप उस वाले पाइप को देख सकते हैं जैसे वहाँ पर कैप लगी हुई है, उसी तरीके से आप जितने भी ड्रेनेज के पाइप आते हैं वैसे कैप वहाँ पर आप लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या ना ये स्लैब की यहाँ पर अभी शटरिंग लगाई गई है, तो शटरिंग लगाने तक आप लोग का यहाँ पर काम देख सकते हैं। इसके बाद रीइन्फोर्समेंट आएगा। रीइन्फोर्समेंट से पहले दोस्तों इस तरीके का कवर ब्लॉक होता है, ये कवर ब्लॉक आपको सरिये के नीचे ज़रूर प्रोवाइड करना है ताकि आपका सरिया बाद में ना देखे, हनीकॉम ना हो। अगर मान लीजिए ये आप कवर ब्लॉक नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, शटरिंग खुलेगी उसमें सरिया दिखेगा, सरिये में क्या आपका जो रस्टिंग वगैरह होती है वो लगेगी और आपका जो स्लैब होगा वो फेल भी हो सकता है। तो इस तरीके का कवर ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों ये कवर ब्लॉक क्या है ना दोनों तरफ से लग जाता है, अगर ऐसे करके आप लगाएंगे तो 30 mm का हो जाता है, ऐसे करके लगाएंगे तो ये 20 mm का हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो कवर ब्लॉक है ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से खरीद के लगा लेते हैं। और बहुत सी जगह क्या होता है ना ये कवर ब्लॉक अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो क्या लोग क्या टाइल के टुकड़े या फिर ईंट के छोटे छोटे पीस करके लगा देते हैं, उससे क्या थोड़ा दोस्तों अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इस वजह से प्रॉपर आप 20 mm का 30 mm का जो भी कवर आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो कवर ब्लॉक का ज़रूर ध्यान रखिए। अब दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर स्लैब कास्ट हो चुकी है और यहाँ पर स्लैब कास्ट अभी होनी है। तो यहाँ से क्या है ना जो स्लैब यहाँ पर कास्ट हो रखी है इसमें से आपके सरिये यहाँ पर आपको बाहर दिख रहे होंगे, इनको डॉल बार बोला जाता है। इन्हीं डॉल बार्स के थ्रू जितनी भी इस स्लैब पे अभी बार्स बिछेगी तो वो बार्स इनमें डॉल बार में यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, जिससे कि इसकी अच्छे से स्ट्रेंथ आ जाएगी। और इसी तरीके से दोस्तों आगे कहीं पर भी स्लैब की कास्टिंग होती है तो मतलब कि अदर कोई भी कास्टिंग होती है तो वहाँ पर भी इसी तरीके से सरिये छोड़े जाते हैं। आप लोगों ने स्टेयर केस में भी देखा होगा कि जब भी हम स्टेयर केस बांधते हैं तो स्लैब में हम क्या करते हैं दोनों तरफ से बार्स को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो आपकी स्लैब कास्टिंग हो रखी है वहाँ से आपके बार्स यहाँ पर छोड़े गए हैं और अब जो नई स्लैब सामने इसके बन रही है यहाँ पर इस स्लैब में सरियों को यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसको वाइब्रेटर नीडल बोला जाता है, जो कि हमारे कभी भी हम कॉलम कास्टिंग करते हैं या फिर कोई भी कहीं पर भी कास्टिंग करते हैं तो ये वाइब्रेटर आपको चलाना पड़ता है। ये वाइब्रेटर की नीडल है, ये क्या है ना अलग अलग डाया के हिसाब से आती है, जहाँ पर भी आपको अलग RCC मेंबर करना है तो उसके हिसाब से आप डाया उसका चेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या काम करती है, बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करती है जिससे कि जितने भी कॉन्क्रीट में एयर वॉइड्स हैं वो सारे निकल जाते हैं और जो आपका स्ट्रक्चर एकदम स्मूथ वहाँ पर निकलता है। तो ये वाइब्रेटर चलाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग देख भी सकते हैं इसका जो नीडल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को सब चीज़ यहाँ पर नोटिस हो गई होगी कि आपको अगर मकान बनवाना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइन्फोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।